आपके सामने आंकड़े इस वक्त चल रहे हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं अपनी पार्टी की इस जीत पर, देखते हैं। ये देश की जनता ने जो अपना मूड इस चुनाव के द्वारा व्यक्त किया है, विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में बहुत अच्छी सफलता मिली है और एक प्रकार से जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जो नीतियां अपनाई थी उसका एक प्रकार से समर्थन देकर हमें सपोर्ट किया है। इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का और विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी उनका भी अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरा विश्वास है कि विकास की यात्रा में इन तीन राज्यों में अब डबल इंजन की सरकार आएगी तो और तेजी से विकास होगा और जनता को इसके परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। सर, कांग्रेस के नेता दावे कर रहे थे कि जीत राजस्थान में उनकी होगी, मध्य प्रदेश में उनकी जीत होगी, जीत के पोस्टर्स पहले से बना लिए गए थे, मिठाइयां बन चुकी थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने, तो क्या कहें? देखिए, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, जो चुनाव लड़ता है वो दावा करता ही है, पर जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है और मुझे लगता है जनता का ये सपोर्ट आगे देश के भविष्य के लिए और अच्छा उपयोगी होगा। 2024 के लिए मैसेज है, सीएम सर, सीएम सर, सीएम सर। तो ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी के तमाम नेताओं के, केंद्रीय मंत्रियों के, इन नतीजों से खुश हैं, गदगद हैं और वो बयानों में भी झलकता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, तीन राज्यों में आपकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद प्राची जी, पर मुझे लगता है कि ये हमारे संगठन की मजबूती, मोदी की गारंटी, सुशासन की नीति, मोदी जी की काम की क्रेडिबिलिटी और सरकार की डिलीवरी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण जो राहुल जी की फर्जी नौटंकी और उनकी जो ये बार बार में विभाजन करने की नीति, इसको नकारने का काम किया गया है। और मुझे लगता है कि आज जनता ने स्पष्ट मैंडेट दिया है कि जो सरकारें काम करती है, जो सरकारें परफॉर्म करती है, डिलीवर करती है, 18 वर्ष के बाद भी उनको फिर से रिपीट करना, और जो सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त है, महिला उत्पीड़न करवाती है, तुष्टिकरण की नीति पर चलती है, उन सरकारों को डिलीट करना, ये संदेश दिया है। आप एक बार थोड़ा सा आकलन कीजिए, हर एक इलाके में जहाँ पर कांग्रेस को लगा कि उनका OBC का वो डिवीजन वाला कार्ड चलेगा या आदिवासी समाज को बहकाने की उन्होंने कोशिश की, उन हर एक इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मत मिला है। और उसकी एक बाणगी आपको मैं बताऊँ कहाँ से दिखती है, जो अभी देवेंद्र जी और सौरभ जी जिसका विश्लेषण कर रहे थे, पूरा देश इलेक्शन एनालिसिस के इस पूरे प्रकरण में लगा हुआ है, परंतु मोदी जी का ध्यान जो है वो साइक्लोन से कैसे निपटना है उसके लिए उनका ध्यान वहां पर लगा है। तो जब राष्ट्र नीति प्रथम होती है और राजनीति नहीं, तो उस लोग उसको समर्थन देते हैं, उस विश्वास के साथ वो जुड़ते हैं, और इसीलिए मोदी जी के क्रेडिबिलिटी और गारंटी पर ये जिस प्रकार का वोट हमें मिला है, ये उसका एक परिचय है। इसमें कोई शक नहीं है शहजाद, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जनता नियत देखती है, जनता ये देखती है कि कौन परफॉर्म कर रहा है, किसकी क्रेडिबिलिटी कितनी, और वो वोट मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मोदी गारंटी पूरी होने की गारंटी है और जनता ने उनकी गारंटी को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि इतना आशीर्वाद दिया है। और आपसे सुबह बात हो रही थी जब राजस्थान का चुनाव ऐसा लग रहा था कि थोड़ा नज़दीकी मामला रहेगा, कांटे की सी टक्कर दिखाई दे रही थी, और आप तब कह रहे थे कि नहीं, ये कुछ एक दो घंटे के बाद ये भी आपके पक्ष में होगा, आप सही साबित हुए। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। राजस्थान में जो बहुत स्ट्रांग अंडरकरेंट था, और इसका बाद में आप लोग विश्लेषण करना, महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का और जो आम आदमी, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे कर्म अच्छे थे, किसानों ने, आम आदमी ने महंगाई से राहत के लिए, रोजगार के लिए युवाओं ने, और महिलाओं ने सुरक्षा के लिए, कर्म वाले लोगों ने हमें वोट कर दिया है। देखिए, एक शब्द बड़ा चला इस चुनाव में, राहुल गांधी जी ने शब्द दिया था पनौती, तो अब पनौती कौन साबित हुआ? देखिए, राजनीतिक भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए, परंतु मुझे लगता है कि कौन अपनी पार्टी और अपने परिवार के लिए पनौती है वो आज
पूरे देश के सामने साबित हो गया है। राहुल जी का मुझे वो वक्तव्य याद आ रहा है, इंडिया टीवी ने चलाया था, कि उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में 140 से 150 सीटें मिलने वाली है कांग्रेस को। पता नहीं वो सही साबित हुआ नहीं हुआ या पनौती साबित हुए, 5-0 से जीतने वाले थे, सही साबित हुए या पनौती साबित हुए। तो मुझे लगता है कि ऐसी शब्दों की, ऐसी गाली गलौज की रणनीति तो और सनातन विरोध की दिखाई दे रहा है उसको भी लोगों ने छत्तीसगढ़ में मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने, आपके संगठन ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया शहजाद जी?